दो छोटी बच्ची को। हाँ तब तक यहाँ पर खड़े हो जाओ तुम। जय श्री राम गुरु। कुर्ता वाले बच्चे को जय श्री राम। बिटिया बोलो क्या नाम है आपका? कनिका व्यास। कहाँ से हो बेटा? विदिशा से। विदिशा से? हाँ। पूछो बिटिया। मुझे आपको रुद्राष्टकम सुनाना चाहती हूँ। सुना दीजिए लेकिन जल्दी सुना ना, सुपर फास्ट। नमामि समीशान निर्वाणे रूपं वेवं व्यापकं ब्रह्मं स्वरूपं निर्गुणं निर्विकल्पं निधिहम् सेवासं भजेयं निराकालं ओंकारं तोरेयं हिरण्याने गोतीतमीशं करालं महाकाले कालं कृपालं गुणागारे संसार नाथोऽहं तो सारा देशं कासे गौरं गंभीरं मनोद्रकोटि सी शरीरं मिसमूले कल्लोले विनिचाले गंगाधरस्वा लंदे कंठे भुजंगा चालत कुंडे नंबूषणे त्रंबे सालं प्रेनम नीलकंठं दयालं मृगाधीश सर्वं भरमंडमालं प्रिय शंकरं सर्वनाथं मे भक्तं प्रकृष्टं प्रगल्लं परेयमखण्डं अजम्बानकोटि प्रकाशं त्रिशूलनिर्मूलनं शूलपाणि यं भवानी पते अवगायं कालातीत कल्याणकल्पन्तकारी चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संद गोपयारी प्रसीद प्रभु सर्वभूतादिवास नामे ओगम जपेने में पूजन तो हम सदा सर्वदा संभुतभ्यं जय राज दुख। हो गया, बहुत सुंदर। और परिष्कृत करना है आ? और शुद्ध भाव से पढ़ना, बाकी बहुत सुंदर पढ़ा बिटिया, बहुत अच्छा पढ़ा। ठीक है बोलो भगवान। हेलो हेलो। सीताराम प्रभु दंडवत। जय 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 आशीर्वाद भगवान। हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है, राम लखन सीता सहित हृदय बसउ सुरभू। सरकार इसका मतलब क्या, भगवान हमारे हृदय में बसे या हम उनके हृदय में कैसे बसे भगवान? ये मेरा पहला सवाल है भगवान। दूसरा सवाल है, जैसे आप रेड्डी साहब की अभी आप बोल रहे थे कि आपका वाईफाई चालू रहता है पूरे समय, तो भगवान इधर तो इतनी सारी जनता बैठी है, तो क्या भगवान सभी जनता का जो गड़बड़ है वो आपके वाईफाई में अभी आ रही होगी भगवान? चलो अच्छा प्रश्न है, पहला उत्तर सुनो। राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। हमारे हृदय में श्री सीताराम जो सरकार लक्ष्मण भैया सहित सदा के लिए बास करो, इसका अर्थ यह है। दूसरी बात, भगवान के हृदय में आप बास करो ऐसी सामर्थ्यता तो बड़ी असंभव है हमारे आपके जैसे जीवों के लिए। हमारे हृदय में ही भगवान बास कर जाएं, यही सबसे बड़ी बात है। अब आपने कहा वाईफाई, ओ वाईफाई का देखो ऐसा है कि उसका एक विधि है, प्रयोग है। विधि प्रयोग मतलब हमारे पास जो मुग्धर है हम कहेंगे जरा लेकर आओ माला, पंडित जी को बोलो जरा, आप लोग मत उठाना पंडित, तो जो माला है मुग्धर है तो उसका एक प्रयोग है। प्रयोग मतलब मंत्र विधा है। जब हम अंतर्मुखी होकर के अंधरी अंधर होकर के ध्यानस्थ पहुंचते हैं कि हे हनुमान जी हमको प्रेरणा दो, आपका क्या संकेत है या अमुक व्यक्ति क्या प्रश्न करेगा अथवा फिर क्या आज्ञा है, ऐसी कोई एक विधि है जो सार्वजनिक नहीं की जा सकती, उस विधि पर जाने के बाद में फिर हमारे मन ही मन में कौतूहल, कौतूहल मतलब बहुत ज्यादा विचार आने लगते हैं। विचार मतलब अमुक व्यक्ति इस रंग की शर्ट पहने बैठा है, वो ऐसा सोच रहा, अमुक व्यक्ति ऐसा बोल रहा था, इस व्यक्ति ने ऐसी गाली दी, ये व्यक्ति ऐसी अर्जी लेकर आया, अब ऐसा ये कहेगा, ऐसा होने की संभावना है, ऐसे विचार दिमाग में चलते रहते हैं। बस उन्ही विचारों में जो काम का लगता है या जिसको बताना होता है उसको प्रस्तुत कर देते हैं, बस यही चमत्कार है। जय श्री राम। भगवान मैं कल बालाजी सरकार के लिए और आपके लिए पान और थोड़ा सा प्रसाद भेजूंगा, मेरे पिताजी की बहुत इच्छा है, भगवान ग्रहण कीजिएगा। जो आज्ञा। सीताराम भगवान।
एंड वन खाए संज्ञा हमारा।